बाली को भगवान ये चेतावनी दे रहे हैं कि तू अपराधी है, इसलिए आज मैं तुझे मार रहा हूं। बाली ने कहा मेरा अपराध सिद्ध करो पहले, कहने से नहीं होगा कि मैं अपराधी हूं, मेरा अपराध सिद्ध करो कि मैं अपराधी कैसे हूं। सुग्रीव को मित्र बना लिया, कौन सा गुण था जिस गुण से प्रभावित होकर उसको मित्र बनाया, और मुझ में कौन सा दोष देखा आपने जो मुझे शत्रु मान लिया। सुग्रीव का गुण बताओ और मेरा दोष। और हे राम भद्रजू, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा, या अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। कौन सा ऐसा कारण, कौन सा ऐसा अवगुण है जिसके कारण आपने मुझे मारा, कौन सा दोष मुझ में, कौन सा गुण सुग्रीव में। हे राम भद्रजू, मुझ में एक ही दोष है कि मैं प्रमादी हूं, यही दोष है, और हो सकता दूसरा दोष ये भी है कि मैं अभिमानी हूं, मैं प्रमादी हूं और मैं अभिमानी हूं। लेकिन ये सत्य है कि सीता हरण कांड में मेरी कोई सहमति नहीं है राम भद्रजू। अगर मेरी सहमति है तो आप अगर ईश्वर हैं तो बताइए क्या मेरी कोई सहमति है। भगवान राम ने कहा नहीं, सीता हरण कांड में तुम्हारी कोई भी साजिश नहीं, ना कोई सहमति ना साजिश। बाली ने कहा ये बताइए, हम आपको क्या शत्रु मानते हैं? अगर मैं आपको शत्रु मानता होता तो जब आपने मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश किया था तो मेरे पास सूचना पहुंच गई थी कि कोई तपस्वी राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, तो मैंने यही कहा तपस्वी हैं, आने दो रहने दो। ये भी मुझे जानकारी मिली जिस दिन मित्रता आपकी सुग्रीव से हो रही थी, मुझे ये जानकारी मिल चुकी थी कि सुग्रीव को आपने मित्र बना लिया। उस दिन भी मैंने ये कहा था कोई किसी को मित्र बनाता है, मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मैं आपसे दुश्मनी नहीं मानता था, किसी भी प्रकार का आपके प्रति मेरा भय नहीं था। लेकिन आपने सुग्रीव के कहने से मुझे मार दिया, और सीता हरण कांड में मेरी सहमति नहीं है। जिस दिन सीता जी निकली रुदन करुण क्रंदन करती हुई, हे राम भद्रजू, मैं उस दिन सो रहा था, मैं सो रहा था, लेकिन सीता जी रो रही थी और मैं सो रहा था, और जिसको मित्र बनाया ये बैठा बैठा था। बोलो, देख रहा था कि नहीं? गगन पंथ देखी मैं जाता, पर्वत परी बहुत बिल पाता, देखी मैं जाता। सीता जी रो रही थी और मैं सो रहा था और ये देख रहा था। तो देखने वाला दोषी है कि सोने वाला दोषी? लक्ष्मण जी बोले बहुत बढ़िया बात कह रहा भैया, सुनिए तो, देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है, सो रहा था, इसकी क्या गलती। और हे राम भद्रजू, इस कायर को दोस्त बना लिया, अगर बाली से दोस्ती किए होते तो आपको लंका जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी अभी रावण 2 घंटे के अंदर सीता जी को लेके आ जाता और कान पकड़ के दंड बैठक लगाता। मैं कहता कि कान पकड़, गलती में ना। अच्छा बोलो, बाली में ये ताकत है कि नहीं, अनुभव करो। 6 महीने तक बाली की अंडर कस्टडी में रहा रावण। अगर ये कथा सत्य है तो हमें बाली के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। 6 महीने तक लोग कहते हो कांख में दवा, ये तो कहावत है, कांख वाख में कोई दवाता है? क्यों अंडर कस्टडी, समझ गए हो कि नहीं? 6 महीने तक, और रावण छूटा है तो जमानत पे छूटा है। जब बाली चाहे तब बुला सकता है कि नहीं रावण को, जब चाहे तब। इतनी ताकत बाली में है। बाली कहता है अगर मुझसे दोस्ती किए होते राम भद्रजू,
तो मैं सत्य कहता हूँ, लंका उनका जाने की जरूरत नहीं थी, अभी अभी घंटे दो घंटे लगता ज्यादा से ज्यादा। सूचना पहुंचाता कि सीता जी को लेकर के आ जा और सम्मान पूर्वक आपके हाथों में सीता जी को सौंपता और कान पकड़ के गलती मनाता कि गलती हो गई क्षमा करो, गलती हो गई क्षमा करो। लेकिन दोस्ती किए इस कायर से, इस कायर से, इससे पूछो इसकी पत्नी कहाँ है। अभी तक ये पत्नी को नहीं, जबकि इसके आंखों के सामने ही इसकी पत्नी छुड़ा ली थी और सीता जी तो चुरा ली गई, चुरा ली गई सीता जी और इसकी पत्नी छुड़ा ली गई। तो जब छुड़ा ली गई तब इसमें ताकत कितनी थी, अपनी पत्नी को अभी तक पा नहीं पाया और आप भरोसा करते हो कि आपकी मदद करेगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया दोस्ती तो बाली से होनी चाहिए, सारी समस्या का समाधान अपने आप। भगवान राम बोले, तुम चुप रहो, बीच में मत बोला करो। बाली, मैंने सुग्रीव को जो मित्र बनाया है उसमें मैंने गुण अवगुण पर विचार नहीं किया, फिर मैंने तो संत की वाणी का आदर किया है। समझ गए हो कि नहीं? मैंने गुण अवगुण पर विचार नहीं किया, मैंने तो संत की वाणी का आदर किया है। तब हनुमंत उभय दिसकी सब कथा सुनाए, पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। ये सुग्रीव से मुझे क्या लेना देना था, शत्रु मित्र ये सब। मैंने तो संत हनुमंत की वाणी का आदर किया है। हनुमान जी ने कहा था, नाथ सहिल पर कपिपति रही तो सुग्रीव दास तो आई तहिसन नाथ मैत्री कीजे दीन जान मोय अभय करीजे। मैं तो संतों की बात मानता हूँ, संतों की बात। इसलिए विभीषण को, सुग्रीव को मैंने जो मित्र बनाया है उसमें मूल संतवाणी का आधार, संतवाणी। बाली कहता है, तो एक बात बताओ प्रभु, मुझे आपने क्यों मारा? भगवान ने कहा, तेरे कर्मों के कारण, तेरे कर्मों के कारण। तो मेरे कर्मों में कमी क्या है? क्या बहुत बड़ी कमी है? तेरी दृष्टि में दोष है, दृष्टि में दोष। अच्छा, जयंत की दृष्टि में दोष आया था तो भगवान ने एक नयन कर तजेऊ भवानी। बोलो, दृष्टि दोष आया तो दृष्टि आंख ही थोड़ी कि नहीं थोड़ी? आंख थोड़ी वो तो मृत्यु दंड मिलना था, लेकिन मैंने समाधान दे ही दिया किशोरी जी की कृपा से, सजाए माफ हो गया। लेकिन प्यारे, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बाली, तेरी दृष्टि में दोष है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, ओ सुन सठिए कन्या समचारी, इनही कुदृष्टि विलोकत जोई, ओ ताहे बधे कछु पाप न होई। बोल, तेरी दृष्टि में दोष है कि नहीं? बाली बोला, सिद्ध तो करो, दोष है तो सिद्ध तो करो, कैसे दोष? भगवान बोले, अनुज बधू सुग्रीव की पत्नी रोमा को तूने छीन लिया। सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम है? रोमा। तूने छीन लिया कि नहीं? ये दृष्टि दोष है। और भगनी, भगनी मानी बहन, इंद्र की पुत्री विद्युत ज्वाला, विद्युत ज्वाला उसका नाम है, इंद्र की पुत्री। बोलो बाली, इंद्र पुत्र है ना, तो इंद्र की जो पुत्री होगी वो बाली की कौन होगी? बहन होगी। ये पौराणिक कथा है, मानस में केवल चौपाई है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, तो ये पौराणिक आख्यान है। वैसा नहीं है कि रामचरितमानस में आप खोजो कि कहाँ लिखा है क्या। आजकल लोग यही तो करते हैं ना, खोपड़ी बात में बहुत खराब करते हैं। चलो मैं समाधान दे देता हूँ, आओ सुनो। अन्य रामायणों में भी प्रमाण मिले हैं इसके, अन्य रामायणों में। एक
रामायण है। अब आप कहोगे महाराज ऐसी रामायण का नाम बता रहे हैं आप, तो वो मिले ही नहीं। अरे तो नहीं मिल रही है तो हमारी बात मान लो, और हमारी बात नहीं मान रहे हो तो रामायण खोज लो भाई, समझौता तो करके चलना पड़ेगा। क्यों? ये रामायणों के प्रमाण कौन कौन रामायण हम आपको बता रहे हैं, सुनते जाइएगा। एक अंतिम 10 मिनट, क्योंकि अभी 7:11 हो गए और यही है 7:20, 7:21, 7:22 तक प्रवचन चलता है। 7:30 आरती होती है, ये नित्य का नियम है कि नहीं? चलिए सुन लीजिए। आप भी ऐसे श्रोता हो कि बिल्कुल बैठ जाते हो तो बैठे ही जाते हो, बैठ जाते हो बिल्कुल ऐसे मूर्ति की तरह। अच्छे श्रोताओं के यही लक्षण है। अनुज वधु रोमा भगनी इंद्र की पुत्री विद्युत ज्वाला सुत नारी अंगद की पत्नी शांदिनी सुन सठिये कन्या राजा बलि की कन्या रत्नमाला। श्रीमद् भागवत में बलि की कन्या का क्या नाम है? रत्नमाला, रत्नमाला। अब आंखें खुल गई उसकी, क्योंकि व्यक्ति अगर कोई पाप छिपा के करता है अपने प्रभाव से समाज को प्रभावित कर दे, और कोई गलत काम छिपा के करता है तो प्यारे परमात्मा से नहीं वो छिपा सकता है। जहां पर वो पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है, वहां परमात्मा विद्यमान होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? इस बात को मान सकते हो कि तुम कमजोर लोगों की जवान पर ताला लगा सकते हो, तुम संसार की आंखों में धूल झोंक सकते हो, तुम अपराध को छिपाने के लिए पर्दा नहीं दीवार खड़ी कर सकते हो प्रभाव के दुरुपयोग से, लेकिन परमात्मा तो सब देख रहा है कि नहीं देख रहा है? बोलो। ये लोक अदालत में तुम्हें माफ किया जा सकता है, कभी पैसे का प्रभाव, कभी सोर्स का प्रभाव, लेकिन परमात्मा की अदालत में बोलो पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां कौन सा सोर्स तुम्हारे पास रहेगा जरा बताओ? एक बात और कह रहा हूं, सुन लो। गेहूं चक्की के पास गया, गेहूं जाता है चक्की के पास, क्यों जाता है? पिसने के लिए जाता है चक्की के पास। गेहूं जैसे ही चक्की के पास पहुंचा, पीसने वाले ने गेहूं को उठाया तो गेहूं के अंदर से घुन चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ, घुन चिल्लाया बचाओ। पीसने वाले ने कहा कौन बोल रहा है? गेहूं बोला अपना काम करो चिल्लाने दो उसको। गेहूं बोला अपना काम करो उसको चिल्लाने दो। अरे कौन चिल्ला रहा है? बोले अपराधी। कौन चिल्ला रहा है? अपराधी। अच्छा सही बताओ, गेहूं का अपराधी कौन है? घुन है। क्यों है कि नहीं? थोड़ा बोल लिया करो जरा, हैं? क्या तुम्हारी पार्टी का है क्या घुन? क्यों डरते हो? क्या दिक्कत है बोलने में? अरे खुल के बोलो, ये तो भगवान का दरबार है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। पीछने वाला बोला ये कौन बोल रहा है? घुन बोला आप इसकी बिल्कुल मत, गेहूं बोला बिल्कुल मत सुनो, ये अपराधी बोल रहा है। अपराधी कहां है? बोले मेरे अंदर है। अच्छा इसने अपराध क्या किया? गेहूं बोला मुझे पूरा खोखला कर दिया इसने, इसने पूरा का पूरा मुझे खोखला कर दिया है। अच्छा घुन बोला मुझे क्यों पीस रहे हो? गेहूं को पीसा जाता है, घुन को नहीं पीसा जाता है, घुन को कौन स्वीकार करेगा, इसको क्यों पीस रहे हो? तो पीसने वाला बोला तुम इसलिए गेहूं के साथ पीस रहे हो घुन, क्योंकि तुमने गेहूं को खोखला किया है। इसलिए गेहूं को तुमने खोखला किया है, इसलिए
साथ गेहूं के साथ घुमटू भी पिस रहा है, तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। याद रखना, जिन लोगों ने इस आर्यावर्त में जन्म लेकर के घुन बन करके भारतीय संस्कृति को खोखला करने का प्रयास किया है, वो परमात्मा की चक्की में जरूर पीसे जाएंगे, उन्हें कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। बस थोड़े समय का इंतजार कर लो, मरने के बाद पिसोगे जरूर, बक्से नहीं जाओगे। गलत कह रहा हूं क्या मैं? तो बस पाप करने से डरना, पाप करने से डरना, घुन बनकर के धर्म को खोखला मत करना, घुन बनकर के मर्यादा को खोखला मत करना, घुन बनकर के संस्कृति को खोखला मत करना, नहीं तो परमात्मा की चक्की में निश्चित रूप से पीसे जाओगे, कोई माई का लाल नहीं बचाएगा। आज बाली कांप रहा है, बाली कांप, बाली से ज्यादा प्रभावशाली कौन बोलो? कांप रहा है, दो ही तो कांप रहे, रामायण में बाली कांप रहा है और राजनीति में लालू कांप रहा है। लालू क्यों भाई, कांप रहा है कि नहीं? रो भी रहा है, कांप भी रहा है, कह रहा है रे अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसा किया वैसा पा रहे हो? बाली कांप रहा है। भगवान ने कहा याद आ रहा है कि नहीं, चार जघन्य अपराध तुझसे हुए हैं, चार जघन्य अपराध। प्यारे, मृत्यु के समय पश्चाताप हाथ में रहता है कि मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाया। उस समय ईमानदारी से बताओ, पत्नी सामने होती है, पुत्र सामने होता, संपत्ति भी पास में होती है, लेकिन सब कुछ होने के बाद पश्चाताप क्या दूर होता है? पश्चाताप दूर नहीं होता है। उस समय यही कहते हो, अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। इसलिए होश हवास में आ जाओ और भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लो और संपूर्ण पापों को भगवान के चरणों में निछावर कर दो और प्रार्थना कर लो, प्रभु अबलो नसानी अब न नसई हो, अभी तक जो अपराध हुआ हुआ, अब मैं आपका हो गया हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, कभी भी पापों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, कभी भी अपराधों को दोहराऊंगा नहीं, बस मुझे क्षमा कर दो। ओ बाली ने यही होशियारी की है। यहाँ देखो भाई, बाली को जो बैकुंठ मिला है, इस बैकुंठ में इस प्रसंग से तुम्हें प्रेरणा मिल रही है कि यही होशियारी बाली की हुई कि आज बैकुंठ मिलने जा रहा है। क्या भगवान ने कहा, अनुज वधू भगिनी सुत नारी सुन सचे कन्या समुचारी, तूने रोमा को छीना, तेरी दृष्टि में दोष आया, तूने रत्न माला पर कुदृष्टि डाली थी। एक कथा आती है कि ये बाली दुंदुभी से कई बार युद्ध किया है, दुंदुभी से कई बार युद्ध किया है। हाँ वाह, कल जो है इसका आनंद, अच्छा सभी लोग आज भी कह रहे हैं, अच्छा अच्छा चलो ये भी हो जाएगा, क्या बात है। देखो भाई, 7:20 हो गया है, हमारे समाधिया जी एक बहुत ऊंचे संगीतकार भी हैं और बहुत ऊंचे कलाकार भी हैं और बहुत ऊंचे आचार्य भी हैं। ये ऐसा अपना कलात्मक प्रदर्शन करते हैं कि मुख से वाद्य यंत्र बजते हैं और अनुभव होता है कि कोई बाजा बज रहा है, और मुख से वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। इसमें 5 मिनट का टाइम लगता है नहीं? चलो कोई बात नहीं है, हमारे महंत जी महाराज ने कह दिया 5 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको आज मारे कि ना मारे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अच्छा अच्छा अच्छा,
अच्छा अच्छा चलो ठीक है, इसको आज क्यों भाई मार देना है। चलो पांच मिनट में अभी देखो, अभी मरा जाता है तुरंत, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, वो तो मुझे मारना है अभी देखो। इसने राजा बलि की कन्या पर कुदृष्टि डाली थी, इसने विद्युत ज्वाला जो इंद्र की पुत्री है उस पर कुदृष्टि डाली, तो इंद्र वज्र लेकर के दौड़ा था। अंगद की पत्नी शांदनी सरोवर में स्नान कर रही थी, तो इसकी दृष्टि में शांदनी को देख करके दोष आ गया था। ये सारे के सारे अपराध भगवान के यहां नोट थे, परमात्मा के यहां नोट थे, और भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा अन्यायियों का वध करने के लिए आऊंगा, राक्षसों का वध करने के लिए आऊंगा, आतताइयों का वध करने के लिए आऊंगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरे कृपानिधि सज्जन पीड़ा असुर मार था पहुंचा। मेरी दृष्टि में तू राक्षस है क्योंकि तूने अपराध किया, तेरी दृष्टि में दोष आया। बाली ने कहा प्रभु मैं मानता हूं। भगवान ने कहा मानते हो? हाँ मानते हो, ये स्वीकार कर रहे हो? कहां स्वीकार कर रहा हूं। तुलसीदास जी से पूछा प्रमाण क्या है कि बाली ने अपराध स्वीकार कर लिए? तुलसीदास जी बोले प्रमाण यही है कि पहले कह रहा था मारे मोह व्याध की नहीं, भगवान को व्याध कह रहा था, लेकिन अब कह रहा सुनहु राम स्वामी सन, अब स्वामी मान रहा है, सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मो, ओ प्रभु अजहू में पात की अंत काल गति तोर। बोलो शरणापन्न हो गया कि नहीं हो गया? इस दोहे में उसने अपराध स्वीकार कर लिए, भगवान की शरण में आ गया। सन्मुख होए जीव मुहे जवही, तो जन्म कोटि अघना सही तवही। हे प्रभु करोड़ों जन्मों के करोड़ों अघ यदि जीव आपके सम्मुख हो जाए तो उसके समाप्त हो जाते हैं, क्या आप मेरे सामने हैं फिर भी मेरे अघ अभी सुरक्षित हैं? अभी अघ मेरे पास ही हैं, वो समाप्त नहीं हुए। भगवान ने कहा कि इसमें अपराधियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। बाली बोला प्रभु तो ये सत्य नहीं है क्या? जीव आपके सम्मुख हो तो उसके अग समाप्त, करोड़ों जन्मों के अग समाप्त हो जाते हैं। भगवान बोले ये सत्य है लेकिन शर्त भी है, सत्य तो है लेकिन इसके साथ शर्त है। बाली बोला क्या शर्त है? भगवान बोले शर्त ये है कि वो पापों को दोहराए ना। क्या तुम इस शर्त को स्वीकार कर रहे हो? बाली बोला अवश्य। इसका प्रमाण क्या है? बाली बोला प्रमाण ये है कि जही जौन जन्म हु कर्म बसता राम जी पद अनुराग हो। मैंने जो कर्म किया है उस कर्म के अनुसार आप मुझे उसी योनि में भेज दीजिए। क्यों भैया? प्राश्चित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार है कि नहीं? तो उसने अपने किए हुए कर्म स्वीकार कर लिए कि नहीं कर लिए? अब नाथ कर करुणा बिलोको देव यही बर मांग हूं। भगवान ने कहा कि अच्छा बाली तेरी वाणी में इतनी विनम्रता आ गई, सुनत राम अति कोमल वाणी कोमल वाणी अति कोमल वाणी। यहां प्रमाण है कि कोमल वाणी नहीं अति कोमल, बहुत ही कोमल बड़ी विनम्र वाणी। अच्छा भैया जैसे विनम्र वाणी सुनी बहुत बढ़िया बात बाली कह रहा है,
क्या कह रहा है? हे प्रभु, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। भगवान तो कह रहे थे अचल करहु तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत। नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो जाना चाहता हूँ। भगवान बोले तुम वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। बाली बोला प्रभु बस इस पापी को आप कितना ही वरदान दे दो, कितना? अब नाथ करी करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हूं, जही जोनी जन्म हूं कर्म वसत राम जी पद अनुराग हूं। कर्मा अनुसार मुझे योनि मिले, लेकिन हे प्रभु जिस दिन मेरे प्राण निकले चाहे जिस योनि में आप मुझे भेज दें कर्मानुसार, लेकिन जिस दिन मेरे प्राण निकले उस दिन दर्शन देने के लिए आ जाना, बस इतनी कृपा करना। सोचो जरा परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि सुंदर मौत लेने के लिए हृदय परिवर्तन की जरूरत है। बोलो है कि नहीं? हृदय बदल दो, करुणा आ जाए, दया आ जाए। करुणा और दया से हृदय तुम्हारा भर जाएगा तो प्यारे परमात्मा स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगा और जो तुम मांगोगे वो देने के लिए वो विवश हो जाएगा। और देखो इतनी बड़ी करुणा आई, इतनी बड़ी करुणा आई, दया आई, करुणा आई कि ऐसा अद्वितीय प्रमाण मिल रहा है इस प्रसंग में बाली के मृत्यु के समय कि आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भगवान ने कहा तो जाना ही चाहते हो? कहा प्रभु अब मैं जा रहा हूं। जही जौन जन्म कर्म वसता है राम जी पद अनुराग। भगवान ने कहा फिर भी तुम मांग तो लो कुछ। अब वाल्मीकि जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से है ये प्रसंग। कहा मांग लो। बाली ने कहा यदि आप मांगने के लिए विवश कर रहे हैं तो आज मैं मांग रहा हूं, लेकिन जो मांगूंगा वो आप देंगे। देखो गिरिराज जी महाराज भी जब अंतिम श्वास ले रहे थे तो भगवान बार बार कहे थे मांगो 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 मांगो, तो गिरिराज जी ने कहा चाहिए कुछ नहीं, लेकिन बार बार आप विवश कर रहे हैं तो अविरल भक्ति दो। यही मांगा था ना, अभी गीत का प्रसंग सुना। बार बार भगवान बाली से कह रहे हैं कि तू मांग मांग मांग, जो मांगेगा वह दूंगा। तो बाली ने कहा यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अंतिम श्वास मेरी निकले इसके पहले। सारी दुनिया ये जान चुकी है कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं, इन दोनों में संपत्ति को लेकर द्वंद हुआ। उस द्वंद की परिणति ये हुई कि बाली आज मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा है, लेकिन हे सरकार मैं चाहता ये हूं कि ये सदा सदा के लिए चर्चा विरामित हो जाए, सारी दुनिया ये भूल जाए, ये कहना बंद कर दे कि बाली दुश्मन था सुग्रीव का। नहीं नहीं प्रभु, जो मैंने अपराध किया है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। बस एक ही मांग आपसे मेरी है, अंतिम श्वास निकलने के पहले एक बार मेरा भाई सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए, मैं अंत समय अपने भाई सुग्रीव को हृदय से लगाना चाहता हूं। बस यही मेरी मांग है और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। भगवान ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात कही, ये तो साधारण बात है। सुग्रीव जी पीछे थे, कहा सुग्रीव बाली के हृदय से लग जाओ। बाली ने भुजाएं आगे कर दी, बड़ी विशाल भुजाएं हैं, बड़ी विशाल भुजाएं हैं। ईमानदारी से बताओ ये कितना कारुणिक दृश्य है कि मरने के पहले दुश्मनी समाप्त करके जा रहा है। बोलो जा रहा है कि नहीं? आज
अदालत में भी दुश्मनी समाप्त नहीं होती है प्यारे, अदालत में भी समय से फैसला नहीं होता है भाई भाई का, परिवार परिवार का, पड़ोसी पड़ोसियों का। कई पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं लेकिन मुकदमे समाप्त नहीं होते। कोई अदालत समय से फैसला नहीं कर पाती है लेकिन आज ये धर्म संसद में कितना बढ़िया फैसला हो रहा है, ये फैसला सुनाई दे रहा है तुम्हें। आज हृदय परिवर्तन कर लो, बहुत स्वर्णिम अवसर मिला है हृदय परिवर्तन के लिए, ये बहुत सुंदर अवसर आया है। इन कथाओं से प्रेरणा ले लो। बड़ी लंबी लंबी भुजाएं बाली ने फैला दी, कहा आजा मेरे भाई, मैं मरने जा रहा हूं लेकिन मेरे हृदय से लग जा। प्यारे पुत्र खड़ा है, पत्नी खड़ी है, संपत्ति धरी है लेकिन ना तो संपत्ति की ओर देखा, ना पत्नी की ओर देखा, ना पुत्र की ओर देखा, ना प्रजा की ओर देखा, देखा अपने भाई की ओर। बोलो हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। भाई की ओर देखा, आंखों में आंसू हैं, भुजाएं आगे हैं, कहता है प्रभु बस मैं अपने भाई को हृदय से लगाना चाहता हूं। भाव आ गया, बाली के अंदर सुग्रीव के प्रति भाव है लेकिन सुग्रीव का बाली के प्रति भय है। क्या है भय? भगवान ने कहा विलंब क्यों कर रहा है सुग्रीव, तेरे भाई ने भुजाएं फैला दी हैं, हृदय से लग जा। तो धीरे से लंबी सांस लेते हुए सुग्रीव कहता है दूरई से राम राम करवा दो प्रभु, नहीं तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि इसकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि एक बार भुजाओं में भरेगा तो दोनों ही जाएंगे साथ साथ। बड़ी ताकत है इसकी भुजाओं में, हम जानते हैं प्रभु। भगवान बोले तुझे विश्वास ही नहीं है, मैं यहां उपस्थित हूं और मैं बोल भी रहा हूं, मेरी वाणी पर तू विश्वास नहीं कर रहा है। बाली मौत से नहीं डर रहा है लेकिन मेरी उपस्थिति में तू मौत से डर रहा है, धिक्कार है सुग्रीव, धिक्कार है। आज सारी दुनिया तुझे धिक्कारेगी, ये भय छोड़ दे। सुग्रीव कहता है प्रभु अब आप हैं तो किस बात का भय? भगवान बोले तू आगे जाओ, आगे जाओ। जैसे आगे बढ़ा दोनों भुजाएं सामने हैं बाली की और सुग्रीव बढ़ता है आगे, और जैसे ही पास में आया तो बाली ने दोनों भुजाओं में भर लिया सुग्रीव, हृदय से लगा लिया। कहा अब मरने में शांति मिलेगी मुझे, नहीं तो बेचैनी लेके जाता। भले ही राम का दर्शन मुझे हो रहा था लेकिन फिर भी राम के दर्शन के बाद ही मुझे बेचैनी मिलती कि भाई से विरोध करके आया, लेकिन आज मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं कि भाई को हृदय से लगा करके जा रहा हूं और विरोध सदा सदा के लिए समाप्त कर रहा हूं। और कहा अंगद ये मेरा भाई है, प्रभु राम ने इसका तिलक किया है, आज मैंने भी सुग्रीव की सत्ता को हृदय से स्वीकार कर लिया है। क्यों भाई, भाई को अगर हृदय से लगाया है तो भाई की सत्ता को हृदय से स्वीकार किया कि नहीं किया? मैंने आज सुग्रीव की सत्ता को हृदय से स्वीकार किया है, मेरे मरने के बाद सत्ता का लालच नहीं आना चाहिए अंगद तेरे अंदर। और अपनी प्रजा से कहता है कि किसी भी प्रकार की बगावत मत करना मेरे मरने के बाद, यदि मेरे मरने के बाद सिंपैथी में किसी भी प्रकार की बगावत हुई तो मेरी आत्मा को अशांति मिलेगी। देखो संतुलन बिगाड़ के जा रहा है कि संतुलन बना के जा रहा है, जल्दी बोलो। संतुलन बना के जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि बाली ने अपना मरण सुधार लिया, बाली ने अपना मरण सुधार लिया है। ध्यान से सुनते जाओ प्यारे, समय की चिंता मत करना, समय तो आता जाता रहता है, ये समय है, समय चला जाएगा, समय आ जाएगा फिर चला जाएगा, इसकी चिंता मत करना। लेकिन हमारा भी मरण कैसे सुधरेगा, मृत्यु के समय हमें मरने में परितोष कैसे मिलेगा, आज की कथा से ये प्रेरणा मिल रही है। बस हृदय से लगाए हैं और कहता है हे प्रभु भाई की प्राप्ति जरूर हो जीवन में,
मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनको भाई नहीं मिला है उन्हें भाई मिले, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति यदि है वो भाई है। भाई से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। माता पिता भी तब प्रसन्न होते हैं जब भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं। और भाई भाई अगर विरोध में आ जाए तो हलवा मालपुआ रोज खिलाओ, लेकिन वो दुखी रहते हैं। अरे क्या देख रहा हूँ ये विडंबना अपनी आंखों के सामने, चैन से नहीं मरने दे रहे, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये चैन से भी नहीं मरने दे रहे। लेकिन आज कितना बढ़िया संतुलन प्रजा को भी समझा रहा है, अंगद को भी चेतावनी दे रहा है और कहता है प्रभु सभी को भाई मिले। तो किसी ने कहा कि तेरे भाई ने तो आज तुझे मौत के घाट उतरवा दिया है। आवाज आई, तेरे भाई ने तुझे मौत के घाट उतरवा दिया है। बाली कहता है खामोश, मेरे जैसे पापी का उद्धार कभी नहीं होता, मेरे जैसे पापी का उद्धार भी कभी नहीं होता, लेकिन आज मेरे जैसे पापी का उद्धार हो रहा है तो भाई सुग्रीव तेरे कारण हो रहा है। अगर तेरे जैसा भाई मुझे ना मिला होता तो राम का दर्शन भी मुझे कभी ना हुआ होता। तेरे कारण राम का दर्शन हुआ है और तेरे कारण ही मुझे मोक्ष मिल रहा है। ये संपत्ति ये सत्ता भ्रम है, ये संपत्ति और ये सत्ता भ्रम है। तेरे कारण मेरा उद्धार हुआ है, संपत्ति के कारण मेरा उद्धार नहीं हुआ है, अंगद पुत्र के कारण मेरा उद्धार नहीं हुआ है, पत्नी तारा के कारण मेरा उद्धार नहीं हुआ है, मेरे उद्धार में अगर माध्यम बना है तो मेरा भाई बना है। बोलो समर्पण हो गया कि नहीं हो गया? और मृत्यु के समय ऐसा व्यक्ति बोलो कहां जाएगा, बैकुंठ जाएगा कि नहीं जाएगा? जिसकी ये विचारधारा होगी बोलो कहां जाएगा, वो बैकुंठ जाएगा। इसने मरण सुधार लिया, लेकिन अंगद रो रहा था। तो किसी ने कहा पंपापुर के किसी नागरिक ने कि कम से कम हृदय से लगा तो लो अंगद को, भाई को हृदय से लगाए हो तो मरने के पहले पुत्र को हृदय से लगा लो। कहा नहीं, हृदय पर भाई का अधिकार होता है। हृदय पर किसका अधिकार होता है? भाई का अधिकार होता है। संपत्ति भी चली गई, पुत्र का संपत्ति पे तो अधिकार होता है, भाई है, हृदय भाई को दे देते, ओ पंपापुर की संपत्ति अंगद को दे देते, लेकिन संपत्ति भी नहीं दी और हृदय भी नहीं दे रहे हो। बाली ने कहा कि अंगद तुझे मैं वो संपत्ति दे करके जा रहा हूं कि आज तक जितने भी पिता मरे इतिहास में अपनी औलाद को वो संपत्ति नहीं दे पाए और आगे भी मरेंगे शायद नहीं दे पाएंगे। आज मैं वो संपत्ति तुझे मरने के पहले देके जा रहा हूं, पकड़ मेरा हाथ। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो अंगद तो सिर नीचे किए था, रो रहा था। बाली ने एक झटका दिया और अंगद का हाथ पकड़ लिया। एक हाथ से दृश्य क्या है प्यारे, मृत्यु के पहले दृश्य यह है कि एक हाथ से भाई को हृदय से लगाए हुए है और दूसरे हाथ से पुत्र का हाथ पकड़े हुए है। परमात्मा सामने खड़ा है, पूरे पंपापुर के लोगों की आंखों में आंसू हैं। और जैसे ही हाथ से ऐसा झटका दिया कि एक ही सेकेंड में अंगद भगवान के पास आ गया। दृश्य क्या है, सुग्रीव को हृदय से लगाए है और अंगद का हाथ पकड़े है, भगवान के सामने खड़ा किया का अंगद मैं मरने के पहले वो संपत्ति दे करके जा रहा हूं जिस संपत्ति में कभी अवनति हो ही नहीं सकती। ये वो संपत्ति है कि सदा उन्नति ही उन्नति रहेगी। बोलो, कहा देख, परमात्मा खड़ा है अंगद ने का देख रहा हूं। हे प्रभु अब आप इसको भी देखिए। भगवान ने अंगद को देखा, कहा हे प्रभु अब मेरी एक ही प्रार्थना है, अब नाथ करी करुणा बिलोकों देव यही वर मांगी हूं। अब जो
कही माही सुर नर नाही आपन दास अंगद की। आप दास बना लीजिए इसको, बस मेरी यही प्रार्थना है। अंगद का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। बोलो कौन ऐसा बाप है जो मृत्यु के समय अपनी संतान का हाथ परमात्मा के हाथ में पकड़ाता हो? बोलो है कोई? बल्कि बाप मरते हैं तो तुरंत रजिस्ट्रार को लाते हो, कलम पकड़ो, दस्तखत कर दो, नहीं तो विवाद खड़ा हो जाएगा। हस्ताक्षर लोगों ने, मैंने ये देखा है कि हाथ पकड़ पकड़ के लोगों ने दस्तखत कराएंगे। वो मर रहा है, होश ही नहीं, हाथ पकड़ा, दस्तखत करवाए, रजिस्ट्रार वहीं आ गया, 10-25-50 हजार रुपया खर्च किया, वहीं सब हो गया। सोचो जरा, संपत्ति लेने के चक्कर में पुत्र पिता का हाथ पकड़ के हस्ताक्षर करवाता है। बोलो करवाता है कि नहीं? लेकिन धन है पिता, आज पुत्र का हाथ पकड़ के परमात्मा के हाथ में पकड़ा दिया का, ये सबसे बड़ी संपत्ति है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। हे प्रभु, बस इस बेटे को आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा अवश्य अवश्य अवश्य। स्वीकार कर लिया अंगद को। अब तारा रो रही थी, मुझे क्या मिला? बाली ने कहा तेरी अज्ञानता बोल रही है। कहे आप नाथ हैं, आपके जाने के बाद मैं अनाथ हो रही हूं। बाली ने कहा नहीं, संसार में वो अनाथ है जो परमात्मा को नाथ नहीं मानता, संसार में वो अनाथ है जो परमात्मा को नाथ नहीं मानता। आज मैं जा रहा हूं परमात्मा का दर्शन करके सनाथ होके जा रहा हूं। मेरे मरने के बाद अंगद को भी मैंने परमात्मा के हाथ में सौंपा। आज तुझे भी मैं परमात्मा के सम्मुख खड़ा करके प्राण परित्याग कर रहा हूं। अब परमात्मा को प्राप्त करने के बाद कौन है अनाथ? बोलो सनाथ है कि नहीं? और सुन, ये राम है, राम की मां को, दुनिया वालों, राम की मां को 14 साल बाद राम मिलेंगे, लेकिन अंगद की मां को तो आज ही राम मिल गए हैं, आज ही राम मिल गए हैं, राम सामने खड़े हुए हैं। आज पूरे परिवार को मैं राम के हाथों में सौंप के जा रहा हूं और भाई को हृदय से लगा के जा रहा हूं। राम चरण दृढ़ प्रीति करे बाल कीन तनु त्याग, ओ सुमन माल जिम कंठ थे गिरत न जान ही नांग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने कृपा कर दी तो आज के प्रसंग से आपको प्रेरणा मिल रही है ना कि हम अपना मरण सुधारें। और मरण तब सुधरेगा जब संबंधों को सुधारेंगे। मरण कब सुधरेगा? जब हम संबंधों को सुधारेंगे। तो संबंध सुधारो, दूरियां मत बनाओ, प्रेम से रहो, प्रेम राज्य की स्थापना करो। वैकुंठ सुलभ हो जाएगा, वैकुंठ दुर्लभ हो ही नहीं सकता है, सुलभ हो जाएगा।